साल 2010 में आई सुपरहिट फिल्म दबंग तो सभी को याद होगी। उसमें सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला नया अवतार जो देखने को मिला था। सलमान खान को एज अ चुलबुल पांडे सभी ने बेहद पसंद किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुलबुल पांडे के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद सलमान खान बिल्कुल भी नहीं थे। दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप सलमान खान की जगह रणदीप हुड्डा या फिर इरफान खान को एज अ चुलबुल पांडे देखते थे, लेकिन इन दोनों ही एक्टर से कोई बात नहीं बन पाई और डायरेक्टर की तलाश फिर से शुरू हो गई चुलबुल पांडे को ढूंढने की। उस वक्त दबंग फिल्म में मक्खी का कैरेक्टर प्ले कर रहे अरबाज खान को अभिनव ने अपनी सारी परेशानी बताई, जिसके सॉल्यूशन में अरबाज ने सलमान खान का नाम दे दिया और इस तरह से दबंग फिल्म में एंट्री हुई अपने रॉबिन हुड यानी सलमान की। सलमान खान को लेकर बनी दबंग जब सुपर हिट हुई तो अभिनव को अपने डिसीजन पर काफी प्राउड हुआ। ये बात वो खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं। चुलबुल पांडे वाले रोल में सलमान खान ने सबका दिल जीत लिया था। इस फिल्म में सलमान खान की जगह अगर रणदीप हुड्डा या इरफान खान चुलबुल पांडे होते तब भी क्या ये फिल्म उतना ही कमाल कर पाती, मुझे कमेंट में बताते जाइएगा। और ऐसे ही बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।